सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिफंड फ्रॉम गूगल एड्स। तो जब भी कभी आपने गूगल एड्स में पैसे ऐड किए होंगे अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए या फिर अपनी किसी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, तो अगर आपका वहाँ पे पैसा फंस जाता है तो कैसे रिफंड करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक देखना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड वहाँ पे गूगल एड्स डालकर सर्च करेंगे। गूगल एड्स डालकर सर्च करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा एंड यहाँ पर जो ओवरव्यू वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओवरव्यू में आपको दिखाएगा जो आपके कैंपेन रन हो रहे हैं या चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम इसे जूम करके दिखा दिए हैं एंड यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा और जूम करेंगे ऊपर, टूल्स एंड सेटिंग जो दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद में हम नीचे आएंगे सेटअप पे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद नीचे प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब जब हम प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। तो इसे अभी हम जूम आउट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से जब इंटरफेस ओपन हो गया है तो यहाँ पे जो लिखा दिख रहा है अकाउंट स्टेटस, यहाँ पर अकाउंट स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, तो उसके आगे देखो ये नीचे एरो दे रहा है, तो ये एरो वाले सिंबल पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखा है कैंसल माई अकाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें अपने पैसे को रिफंड करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे अभी कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर अपने अकाउंट को कैंसिल कर दिए हैं और यहाँ पे अभी जब कैंसिल होने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रिएक्टिवेट माई अकाउंट, इसका मतलब मेरा अकाउंट कैंसिल हो चुका है। एंड वहाँ पे मैं अब देखो सेटिंग में बिलिंग में जाके ट्रांजेक्शन में दिखा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा कितना बैलेंस है, तभी मैं आपको समरी में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने कितना बैलेंस ऐड किया था। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है मेरा एंडिंग बैलेंस 489.31 रुपये। अब मेरा एंडिंग बैलेंस जो बचा है वो बचा है 487.46 पैसे, मतलब हमारे अकाउंट में 487 रुपये और 46 पैसे हैं। तो अभी हमें इन्हें को विड्रॉल करना है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा अकाउंट जब क्लोज हो गया तो कितने दिनों में पैसे आएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार पैसे नहीं आए कितने दिनों में आएंगे, तो सबसे मेन चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समरी वाले पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा है योर रिफंड 487.46 और ये कब तक देगा 487.46 रुपये टू पेटीएम वैलेट, मतलब ये मेरे पेटीएम वैलेट में 18 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो दोस्तों मैं 11 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ और 18 अक्टूबर को मेरा बैलेंस देगा, मतलब 7 दिन का टाइम दे रहा है और ये मेरा पेटीएम वैलेट में पैसा आएगा। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो मैंने 11 अक्टूबर को रिकॉर्ड की थी और 18 अक्टूबर को मेरा बैलेंस रिफंड के लिए बता रहा था, लेकिन मेरा बैलेंस 18 अक्टूबर को नहीं आया, मेरा बैलेंस आया 19 अक्टूबर को। तो उसमें ऐसा होता है 24 घंटे लग जाते हैं डेट एंडिंग होने में। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरा 19 अक्टूबर डेट लिखा है और क्लोजिंग बैलेंस 487.46 और लिखा है फ्रॉम एडवर्ड, तो इसका मतलब जो भी हमारा बैलेंस था वो हमारे पेटीएम वैलेट में आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अपना अकाउंट क्लोज किया है तो आपको भी एक या दो दिन लग सकते हैं जो आपको डेट दी गई है, क्योंकि उसमें 24 घंटा देता है कि आपके जो डेट है उसमें 24 घंटे में आपके अकाउंट में या आपके वैलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।